हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। देखो, शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ में हमारा हिस्सा होना, ठीक है, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। तो अब वो हिस्सा किस में होता है? वो हिस्सा होता है हमारा शेयर मार्केट में, ठीक है। तो जब हम शेयर मार्केट में से कुछ परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर्स। अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एग्ज़ाम्पल लेके चलो। हम चार दोस्त थे, ठीक है, हम चार फ्रेंड्स थे। तो हमने क्या किया, हम चार फ्रेंड्स ने हमने मोमोज़ ख़रीदे, एक प्लेट मोमोज़ लिए। तो उस मोमोज़ में हमारे 8 पीसेज आए। हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हर फ्रेंड के पास कितने पहुँचे, हर किसी के पास 2 पीस पहुँचे, है ना। तो अब क्या था, यहाँ पे 8 जो था वो था मेरा शेयर मार्केट, और हर किसी के पास जो 2 पहुँचा पीस वो क्या है, मेरा शेयर। तो शेयर्स का मतलब होता है शेयर मार्केट में कुछ शेयर होना। देखो, शेयर्स को क्या करते हैं, शेयर्स एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो एक बंदा शेयर मार्केट में पैसे लगा के करता है। शेयर्स का मतलब जुएबाजी सट्टेबाजी नहीं होता, ये एक लीगल वे होता है पैसे कमाने का, ठीक है। तो और पता है, जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टली पर्सन परचेज नहीं करता, हम लोग कंपनी से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। शेयर्स परचेज करने के लिए हमें मिडिलमैन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, कंपनी से शेयर परचेज करने में हेल्प करता है, वो एक मिडिल मैन होता है जो शेयर परचेजिंग की हेल्प करता है। तो स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, अब मुझे शेयर्स ख़रीदने हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी स्टॉक ब्रोकर के पास, ठीक है। मुझे शेयर ख़रीदने हैं, मैं जाऊँगी स्टॉक ब्रोकर के पास। फिर स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक ब्रोकर शेयर मार्केट में से मेरे शेयर्स परचेज करेगा। एग्जाम्पल लो कि सपोज़ करो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, हम चार फ्रेंड्स, यही मेरे चार फ्रेंड्स जो मेरे को परेशान करते रहते हैं। हम कहाँ गए, हम गए शेयर मार्केट में, सॉरी हम गए रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में हमारे पास आया एक वेटर, तो वेटर ने क्या किया, वेटर ने हमसे ऑर्डर लिया और फिर हमें ऑर्डर ला के दिया। तो क्या करें, हम गए शेयर मार्केट में, हमें शेयर्स ख़रीदने थे, बट मैं डायरेक्ट उनसे डील नहीं कर सकती थी, मैं डायरेक्ट तो जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनसे डील नहीं कर सकती, तो मैंने वेटर को बुलाया। तो यहाँ पे वेटर क्या है, वेटर है स्टॉक ब्रोकर, और जो होटल है जहाँ से मुझे खाना खाना है, रेस्टोरेंट जो है वो क्या है, वो है शेयर मार्केट। तो शेयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना और किसी चीज़ में हिस्सा होना। हिस्सा मेरा यहाँ पे किस में होगा, हिस्सा मेरा यहाँ पे होगा शेयर मार्केट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। हमारी शेयर मार्केट, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट 2 शेयर मार्केट होती है, एक होती है हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होती है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE BSE ऐसी मार्केट होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर वो बंदा जो शेयर्स परचेज करता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। तो जो बंदा शेयर्स परचेज करता है वो कहाँ जाके करता है, वो करता है NSE में, या तो NSE से शेयर्स परचेज करेगा या फिर BSE से शेयर्स परचेज करेगा, ठीक है। हमारे शेयर्स की प्राइसेस भी NSE BSE में ही डिटरमाइन होते हैं। और देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल पर्सन, हमें अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके नहीं करा सकते। मैं डायरेक्टली NSE या BSE वालों के पास जाके शेयर्स परचेज नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, एक मिडिल मैन की हेल्प लूँगी जो कि होता है स्टॉक ब्रोकर, मैंने आपको बताया। तो मैं स्टॉक ब्रोकर की हेल्प से क्या करूँगी, शेयर्स को परचेज करूँगी। तो यार, शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स हमारी इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह की, और या फिर किसी चीज़ में हमारा हिस्सा होना, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। देखो, हमारी बहुत सारी शेयर मार्केट होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शेयर मार्केट जिनकी वैल्यू होती है वो होती है हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये थी हमारी शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में हम डिटरमाइन करते हैं प्राइसेस शेयर के, जो अब हम देखते हैं कैसे डिटरमाइन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो शेयर्स है उस शेयर्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है कि भाई मुझे मेरे शेयर का कितना प्राइस रखना है। सपोज़ करो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है XY, ठीक है। मेरी कंपनी ने क्या किए, मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, मेरी कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, और हर शेयर की कितनी वैल्यू है, हर शेयर की वैल्यू है हमारी ₹100 का मेरा एक शेयर है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मेरे हो गए 10,000 × 100, तो मेरा हो गया ये, एक मिनट, तो ये मेरा हो गया कि 10,00,000 रुपये टोटल मेरे शेयर्स की वैल्यू है, ठीक है।
अब मेरे पास 10,000 शेयर्स थे। अब मैंने जब मार्केट में इशू किए मेरे शेयर्स, तो मेरे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। 10,000 शेयर्स थे बट मेरे पास डिमांड आ गई 12,000 शेयर्स की। मेरे पास तो इतने शेयर्स है ही नहीं। अब मुझे पता चला, जब मैंने शेयर्स इशू किए तो मुझे पता चला मेरे शेयर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किए, मैंने अपने शेयर्स की प्राइस क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। मेरा 100 रुपये का एक शेयर था, तो मैंने इसकी प्राइस इंक्रीज़ क्या कर दिए, मैंने इसकी प्राइस इंक्रीज़ करके 120 कर दिए। अब क्या होंगे, कस्टमर्स मेरे पास, मेरे शेयर्स जो शेयर होल्डर्स थे वो मेरे पास इसलिए आए थे ना क्योंकि उनको मेरा प्राइस अफोर्डेबल लगा था, तो अब वो मेरे शेयर्स पैसे चले जाएंगे। अब क्या, 10-12 हज़ार में से अब मेरे पास सिर्फ बचे 11,000 शेयर्स, शेयर होल्डर्स, जो मेरे पास 11,000 शेयर्स की रिक्वेस्ट आई थी। मेरे पास ऑल्दो 10,000 थे बट मेरे पास अब कम होके 11,000 हो गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर से अपने शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ कर दिए। मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ करके कर दिए 150। अब जब मैंने शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ करके 150 कर दिए, तो मेरे पास कितनी डिमांड रह गई, मेरे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स की डिमांड रह गई। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है शेयर्स की प्राइस डिटरमाइन करने का, कि अगर मेरे शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, अगर मेरे शेयर की डिमांड क्या है, मेरे शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसकी प्राइस क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी। अगर शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर मेरे शेयर्स की डिमांड कम है तो यार मैं ऑब्वियसली उसकी प्राइस क्या रखूँगी, कम रखूँगी, क्योंकि एक तो मेरे शेयर्स की वैसे ही डिमांड नहीं है, ऊपर से अगर मैं उसकी प्राइस हाई रख लूँगी तो कौन मेरे शेयर्स को ख़रीदेगा। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है शेयर्स की प्राइस को डिटरमाइन करने का। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका मीनिंग और बेसिक चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले शेयर्स का मतलब बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा। और दूसरा ये कि आपको ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या होता है, शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ है इस वीडियो का। तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, और अगर कोई भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।